सीक्रेट्स आर द एनिमी ऑफ लव। ये बात समझने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। रोमेनिया, हम यहां पहले भी आ चुके हैं। शाइना और मैं यहीं मिले थे, यहीं प्यार हुआ, यहीं शादी की, और यहीं यहीं वो राज रास बने। अपने प्यार को बचाए रखने के लिए जो राज हम दफन करने की कोशिश करते हैं, वो दफन होते नहीं। बस इंतजार में रहते हैं एक ऐसे वक्त के जब वो हमारे प्यार और हमारी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। और मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो वक्त हमारे बहुत करीब था। Mr. and Mrs. Khanna, I presume. Welcome to Sibiu. My name is Mihai, your public relations officer, appointed by the bank. Nice to finally meet you, Mihai, though we met on email. Yes, we have. And that's my wife, Shaina. Nice to meet you. Please follow me. Would you believe me if I say that this apartment is 100 years old? Wow, and we're in Dracula's country. Yes, we are in Transylvania. Dracula's castle is quite far from here. Oh, yes, of course. It's not our first time here. There you are, as you wanted it. Spacious, with Romanian charm. It's wonderful. What do you think, Rehan? I like it if you like it. I love it. Thank you for sourcing this house, Mihai. I'll be there in 2 minutes. मैं क्या सोच रही थी? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ 5 साल का है ना? So then, मिनिमम 5 साल तो हुए हैं। Yeah. Don't make this difficult for me. You know what I'm trying to say. Winters में यहाँ बहुत ठंड होती है। So then, we should have the baby in the summer, ना? You don't like the idea? हम आज ही तो आए हैं यहाँ, सारी बातें आज ही करना जरूरी है। पहले सेटल हो जाते हैं, उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट ऑल दिस। टॉक अबाउट ऑल दिस? टॉक अबाउट व्हाट? हमने तो ये सारी बातें मुंबई में ही कर ली थी ना? हाँ, लेकिन वो रोमानिया के ऑफर मिलने से पहले था। अब सब कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? चाइना, इट्स इजी टू हैव अ चाइल्ड इन मुंबई। यहाँ पर मैं सारा दिन ऑफिस में रहूंगा, तुम अकेली रह जाओगी। उसके बाद बच्चे को देखोगी, घर को देखोगी। अकेले क्यों? मामा आ जाएगी कुछ दिनों के लिए कोलकाता से, एंड इट्स नॉट लाइक यहाँ पे नैनीज नहीं होती। ओके शाय कैंडी, प्लीज नॉट आर्ग्यू नाउ। कल ऑफिस में मेरा पहला दिन, आई नीड टू स्लीप एंड बी फ्रेश फॉर वर्क। आई डोंट बिलीव दिस। मुंबई में यू वांटेड टू स्टार्ट अ फैमिली, और यहाँ के एक ही दिन में यू मेक इट साउंड लाइक इट वाज नेवर योर आइडिया। व्हाट्स द मैटर विद यू? नथिंग एट ऑल। तुम इसलिए नाराज हो ना क्योंकि मैंने फोर्स किया तुम्हें ये जॉब लेने के लिए, रोमानिया आने के लिए? कोई नाराज नहीं हूं तुमसे, एंड कैन वी प्लीज स्टॉप डिस्कसिंग दिस नाउ? तुम जो मुंबई में जॉब कर रहे थे ना, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। यू आर अ जोनल मैनेजर ऑफ एन ओके टाइप बैंक, एंड हियर यू द तो आ गया ना रोमानिया, तो मान ली तुम्हारी बात, बन गया हेड ऑफ ईस्ट यूरोपियन फाइनेंस। और कुछ?
I'm not a fool, Rehan. हमने जब से यहाँ पे आने के लिए डिसाइड किया है तुम बहुत अपसेट रहने लगे हो, जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो पर कह नहीं पा रहे हो। क्या छुपा रहे हो मुझसे रेहान? टॉक टू मी, व्हाट इज इट, बोलो। नुशा, मैं दूसरे रूम में सोने जा रहा हूँ, तुमसे आर्ग्यू करने का कोई शौक नहीं है मुझे। रेहान, 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 व्हाट्स गोइंग ऑन? अलग कमरे में सोने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना? रेहान, वी हैव टू टॉक। रेहान, ओपन द डोर। रेहान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, समथिंग जो तुम कह भी नहीं पा रहे हो और सह भी नहीं पा रहे हो। आई लव यू रेहान। Rehan, please open the door and tell me. Please don't keep secrets from me. ये राज हमें एक दूसरे से बहुत अलग कर देंगे रेहान। Please open the door and tell me. Please, रेहान. राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयां। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आदियां। राज आंखें तेरी सब बयां दिल तेरी सहारा तू ही रोशनी, कहता है हर सितारा मेरी तू चांदनी। हम जुदा हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं, धूप हो तुम मेरी छांव भी हो तो दूर है तन्हाइयां।
चलूंगा मुश्किलों में साया बन तेरा, इस जहां में उस जहां में बस एक तू मेरा, खुशबुओं से तेरी महके जिस्म मेरा, रात आएगी तो मैं सुबह लाऊंगा, मौत आएगी तो लड़ जाऊंगा, साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आदियां, कुछ कहो ना सुनो पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराई।
What happened? Where are you? पता नहीं रेहान कब आई, कैसे पहुंची, I have no idea. Please मेरी help करो रेहान, help me please. Okay, okay, okay. Stop panicking. Relax, relax. अपने आसपास देखो, कोई bus stop, कोई sign, कोई नाम, कोई भी board. और phone कहाँ से कर रही हो तुम? Phone booth में हूँ मैं. This is Anya. It says Pran, 23 kilometers. Okay, Rehan, relax and just hold on and don't leave the damn phone booth. I'm coming. Okay, stay there. घर से 30 किलोमीटर दूर उस फोन बूथ में उड़कर तो नहीं पहुंची होगी ना तुम? ऑब्वियसली अपनी गाड़ी से गई होगी. सो वैसे कहा, और फोन कहां है तुम्हारा? हाउ इज इट पॉसिबल कि कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? आई डोंट नो, आई एम नॉट लाइंग रेहान, यू हैव टू बिलीव मी. ठीक है, एटलीस्ट इतना तो याद होगा कि तुम घर से बाहर गई क्यों थी. रेहान, there's this gypsy woman. I thought you gypsy know. Woman for what? What the hell, Shaina? She can get rid of spirits, Rehan. There are no spirits in this house. Why the fuck can't you understand that? Stop yelling at me, Rehan. Please. Fine. तुम वहां अकेली गई थी या किसी के साथ गई थी?
Excuse me, gentlemen, but I'll have to take this if you don't mind. Please, sure, go ahead. रिहान, वो तुमने मंगलसूत्र ठीक कर पाया? शायद वो मैं ज्वेलर के पास गया था, लेकिन अचानक ऑफिस से कॉल आ गया, तो I had to rush back. रिहान, तुमने कहा था कि तुम आज करवा लोगे. कल पक्का ठीक करा दूंगा. I promise you. Fine. अच्छा, listen. वो श्रेय और अमन रात को डिनर पे आ रहे हैं. So, I mean, if you don't want, तो मैं उन्हें बाद में आने को बोल सकता हूँ. No, no, no. It's fine. वैसे भी उनसे मिलके बहुत दिन हो गए हैं. And I've already ordered dinner. Oh, okay. Bye. अब समझ आया कि तू क्यों बुलाना चाहता था हमें. क्यों? हमें इंप्रेस करना चाहता था ना. ये दिखाना चाहता था कि तू वो सेम लूजर रिहान नहीं रहा जो अपनी लवर के साथ हमारे इंडियन रेस्टोरेंट पे आया करता था. यार, you know what? Actually, I'm glad कि तेरे इतने छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात आ तो गई. Just kidding, यार. You know, रिहान, तुझ जैसा इंसान ना कभी नहीं बदल सकता और तुझे बदलना भी नहीं चाहिए. Dude, you are too good. Really? वैसे ये बात शाइना को भी बता दे. She thinks I've changed. Well, for all I know, she might be right, huh? वैसे भी हम लड़कियों की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, स्पेशली तब जब बात हमारे हस्बैंड्स की हो रही हो. ओह रियली? तो मतलब तुझे इसके सारे अफेयर्स के बारे में मालूम होगा? ओ शट अप ब्रो, कुछ भी. अरे बताया नहीं तूने उसको? नो, आई एम वेरी लॉयल ऑलवेज. यू थिंक सो? या. ओके गाइस, आई एम गोना गेट अनदर बॉटल ऑफ वाइन टू कीप दिस फाइट गोइंग. यस. अच्छा मुझे बता, तेरा रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? There's no wine here. I'm going down to the cellar to get some. Arre, it's totally fine, Shaina. Just are you mad or what? Yeah. Itne dino baad mile. Sari raat piyenge. Shai, please get it. Sure. मेरे लिए सिर्फ काले दानों से बना हुआ एक चेन था, लेकिन उस मंगलसूत्र की अहमियत वो ईविल फोर्स मुझसे कहीं ज्यादा जानती थी. मंगलसूत्र के होते हुए वो मेरे और शाइना के बीच अपनी जगह कभी नहीं बना पाता, लेकिन उस रात हटा दिया उसने हमारे मंगलसूत्र को अपने रास्ते से, कर लिया शाइना को अपने कब्जे में. कहने को तो शाइना मेरे करीब थी, लेकिन अपने जिस्म में कैद मुझसे दूर होने लगी. वो वक्त जिसकी तलाश में मेरे राज छिपे हुए थे, वो वक्त आ गया था. और मैं तो ये भी नहीं जानता था कि माई फाइट फॉर माई लव माई शाइना वॉज ओनली जस्ट बिगिनिंग. हैंडन, डिड आई गेट अ चेन विद मी? अ चेन सर? इट्स गॉट दीज डायमंड्स अलोंग विद ब्लैक बीड्स. नॉट दैट आई कैन रिमेम्बर, बट आई कैन लुक फॉर इट. नो, इट्स ओके. Hello, da. Ogle Pavaro. Sir, the police is on the phone for you. Hey.
come in. Officer? Hello? Mr. Khanna, I presume? Yeah, that's right. Please. Can you identify if this is your missing car, sir? Yeah. This is the one. All right. We shall have the vehicle towed to the station. And you can come around, complete the paperwork, and then you'll have your car back. Sure. Thank you. ना तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कर रही हो ये? I'm feeling so hot, so fucking hot. It's minus 10 degrees outside. ठंड लग गई तो बीमार हो जाओगी. कार मिल गई ना तुम्हें? जब मंगलसूत्र था, तो गाड़ी नहीं मिली तुम्हें. अब गाड़ी मिली. तो मंगलसूत्र खो दिया तुमने. कुछ नहीं संभाला जाता तुमसे, ना रिश्ते ना रिश्तों की निशानी. पिछले कुछ दिनों से शाइना बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रही है यार, और आज तो स्ट्रेंज रिहान. लेकिन स्ट्रेंज तो तुम दोनों ही बिहेव कर रहे हो, स्पेशली एक दूसरे के साथ. ओके, इट डजंट टेक अ डिटेक्टिव टू फिगर आउट दैट थिंग्स आरंट राइट बिटवीन यू टू. आई हैव नोटिस्ड दैट शाइनाज अदर साइड ऑफ द बेड हैजंट बीन स्लेप्ट इन, और तुम्हें भी मैंने दूसरे बेडरूम से बाहर निकलते हुए देखा है. सो व्हाई इज इट दैट यू नीड सेपरेट बेडरूम्स इन द फर्स्ट प्लेस? फॉर गॉड्स सेक, ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है, राइट? सो प्लीज, अगर ये इतना ही पर्सनल मैटर है तो हम दोनों यहाँ सुबह के 5 बजे क्या कर रहे हैं? हाँ, और रिहान, अगर तुम्हें शाइना को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले उसके साथ अपना रिश्ता ठीक करना पड़ेगा. श्रेया, प्लीज, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अमन, शी इज राइट, बट ऑनेस्टली आई डोंट नो वेयर टू बिगिन फ्रॉम. ट्राई द बिगिनिंग. इंडिया में आई वॉज द जोनल मैनेजर ऑफ साउथ एशियन बैंक, बट पे यूरोप जैसा नहीं था. इट टुक अस 3 years टू बाय अ हाउस इन मुंबई, एंड सून आफ्टर दैट ये रोमेनिया वाला जॉब ऑफर मिल गया. बट यार, मैं फिर से अपना घर बेच कर फिर से नई जिंदगी नहीं शुरू करना चाहता था. शाइना वॉन्टेड टू कम हियर,
That's where the problem started from. Hardin fights, Hardin arguments. यहाँ आने के बाद शाइना wanted to start a family, और मैं नहीं चाहता था. और झगड़े, और arguments. But ऐसा क्या हो गया रेहान that you didn't want kids? So scared of being intimate कि उसकी वजह से तुम्हें एक अलग bedroom में जाके सोना पड़े. It. रेहान, do you still love her? Of course, यार. More than ever. Then you should know that Shaina was really, really scared. In fact, उसने मुझसे भी कुछ mention किया था. Something about this house. कि इस घर में कोई है, a ghost. I don't know, but वो सच में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी रेहान. रेहान, she could be depressed also, ना? I mean, ये सब उसका वहम भी तो हो सकता है. Perhaps हमें उसे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए. नहीं अमन, पागल वो नहीं होते जिसे भूत दिखते, पागल वो होते जिसे इंसान नहीं दिखते. She kept reaching out to me. She kept asking for my help. But मैं उसे अवॉइड करता रहा यार. अकेला छोड़ दिया था उसे मैंने, बहुत दूर कर दिया था अपने से. लेकिन आज तक जो शाइना की बात अनसुनी करता रहा ना, आज सुननी पड़ेगी. यू आर राइट. एंड रेहान, आई नो इस सिचुएशन में हमारी कौन मदद कर सकता है. त्रिलोक शास्त्री. रेहान, नाइस टू मीट यू रेहान. लाइकवाइज. सो इज दिस गाय अ प्रीस्ट और सम काइंड ऑफ एग्जॉर्सिस्ट? नो, वो यहाँ पे अपनी रिलीजियस स्टडीज करने आया है. ही इज ब्लाइंड बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ साइकोमेट्री. कप? यस, आई हैव इट हियर. व्हाट इज साइकोमेट्री? इट्स अ गिफ्ट, लाइक ईएसपी जैसा कुछ. फॉर एग्जाम्पल, तेरा सेलफोन ले ले, वो उसको टच करके जस्ट थ्रू इट्स एनर्जीज तेरे बारे में बहुत कुछ बता सकता है, जैसे योर प्रॉब्लम्स, योर पास्ट, योर प्रेजेंट. आई कैन फील इट. टू माउथ्स. व्हाट्स द मैटर? इट्स इविल, वेरी इविल. शाइना की बॉडी को जो स्पिरिट कंट्रोल कर रही है वो. व्हाट? It's a terrible spirit. Mr. Rehan, your wife is possessed. Is she home? नहीं. गुड. वक्त कितना है हमारे पास? अमन और श्रेया उसे बाहर लेकर गए हैं, कम से कम 2 घंटे तक बिजी रखेंगे. Hey, Shaina, why don't you try this? To help Shaina get better, we need to know who this spirit is and why is it controlling her. और उसके लिए मुझे आपकी बीवी की कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जो वो डेली इस्तेमाल करती हो. ये लीजिए. इस ब्रश में शाइना की एनर्जी है. विद साइकोमेट्री मैं वो सब देखने की कोशिश करूंगा जो शाइना ने देखा या सुना है. I'll write down whatever I see for us. बस एक बात का ध्यान रहे. This is like a kind of meditation. फर्क सिर्फ इतना है कि if I am interrupted, I won't be able to connect to her energies again. I'll make sure you're not interrupted. Thank you. Yeah.
यश रहे। She knows. We just couldn't control her. She ran away and वो घर आ रही है। Oh my God. Unfortunately, I could not finish. पर जितना जान सका उतना इसमें लिखा। रेहान और मुझे रोमानिया आए सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं और 3 ही दिन में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ देश नहीं बदला, जिंदगी ही बदल गई। रेहान मुझसे दूर रहता है, नजर भी नहीं मिलाता। मैंने उसे वॉश बेसिन वाली बात बताई तो उसने मजाक बना दिया उसका। It's like I'm living in a maze, in a puzzle. अकेली हो गई हूं मैं, बहुत अकेली।
मैं रेहान को जगाकर सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन ख्याल आया कि रेहान फिर से मेरी बातों को मजाक बनाकर टाल देगा। टू मेक रेहान बिलीव कि इस घर में कुछ है, मुझे सबूत की जरूरत थी। आई वुड हैव टू प्रूव टू रेहान दैट समथिंग वाज रॉन्ग। आई नीड समथिंग दैट कैन रिकॉर्ड वंस द लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ एंड देन मे बी आई कुड वॉच इट ऑन माई लैपटॉप आफ्टरवर्ड्स। ओह, देन यू नीड अ नाइट विजन कैमरा विद अ मेमोरी कार्ड। लेट मी शो यू। All right, thank you. कोई फायदा नहीं। तुम उसे उस कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाओगी। What the hell? आदित्य, please don't start this again. मेरा पीछा करना, मुझे परेशान करना, just please stop. आदित्य, the code doesn't allow you to come closer than 100 meters to me. मत भूलो कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ। Just stay away. मुझे तो जेल भेज दोगी, लेकिन खुद को आजाद कैसे करोगी शायना? रेहान तुम्हारी बातों को माने या ना माने, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। शायना, I know your house is haunted, शायना. I know your life is in danger. सिर्फ 10 मिनट बात करने दो मुझे तुम्हारे साथ, और अगर 10 मिनट में तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आई, आई प्रॉमिस यू, यू नेवर सी मी अगेन. सिर्फ 10 मिनट प्लीज। योर 10 मिनट स्टार्ट नाउ। शाना, आई नो थिंग्स एंडेड वेरी बैडली बिटवीन अस। आई नो आई बिहेव वेरी बैडली विद यू। तुमने मुझे इतना प्यार दिया और मैं गलतियों पे गलतियां करता चला गया। But things have changed now. मैं बदल गया हूँ। Trust me, I'm a different person. Are we here to talk about the past or the present, Aditya? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ वापस रोमानिया आ गई हो। I start having these dreams, these very vivid dreams. तुम्हारा और रेहान का यहाँ वापस आना, तुम्हारा उस घर में कुछ महसूस करना, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारा डर, तुम्हारे झगड़े, यहाँ तक कि तुम्हारा और रेहान का अलग अलग बेडरूम से सोना। बोलो शाना, क्या यह सब सच है? Is it true? Come on. मुझे तो पता भी नहीं मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। मैं तुम्हें मिलना भी नहीं चाहता था, फिर मुझे लगा कहीं तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। I'm afraid for you. I'm very afraid for you. बोलो, क्या तुम्हें उस घर में किसी और के होने का एहसास होता है? Did you not see that blood flow from the laptop? या उस बाथरूम के सिंक में वो आग? How do you know all this? ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, सब का सब तुमने अपने सपनों में कैसे देख लिया? अगर ये सब सच है तो आई बिलीव कि एक ऐसी शक्ति है जो मेरे जरिए तुम्हें बचाना चाहती है। शाना, आई नीड योर ट्रस्ट। और यू हैव टू बिलीव मी। शाना, प्लीज बिलीव इन मी। हु आर यू टॉकिंग टू? टेल मी योर स्कीमिंग विच। शाना, प्लीज बिलीव मी। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। शाना, मेरी बात सुनो। आई डोंट नीड योर हेल्प। शाना, समझने की कोशिश करो, तुम बहुत अकेली होगी। रेहान भी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। रेहान loves me. आज नहीं तो कल I'll make him believe. So thanks, but no thanks. शाना, मेरी बात सुनो। शाना, आज रात को तुम्हारे साथ जो होने वाला है मैं ये भी जानता हूँ। जानना चाहती हो तुम? नहीं जानना चाहती।
Rehan, come with me. Arre, what happened? Just come. Rehan, wo spirit, I got it on tape. Just give me one you second. You cannot be serious, Shaina. Rehan, please, just one second, yeah. Please. Dekho, ek second. What? One second. 55. Yeah, 3M. 3M ke baad ka footage hai. What? Yahi tha. Just give me another second. Just one second. Shaina, I don't know. No, one second. Listen, Rehan. Please, Rehan, you have to believe me. Main tumse keh rahi hu, us ghar mein kuch hai. There's a spirit. Please, maine tumse pehle bhi kaha tha na ki it's just please, Rehan. Main janta hu. Wash basin mein aankh dikhi thi tumhe. Bed ke niche se koi nikalta hua dikha tha, right? Yes, right, Rehan. Rehan, please. Hum log ye ghar kyun nahi chhod sakte, Rehan? Please try and understand. Tumhari kamri tumhe dusra ghar. It's not a joke, Shaina. मुंबई में कहा तुमने ये घर बेच दो, मैंने बेच दिया. रो मैंने आ जाओ, मैं आ गया. अब यहाँ पर आकर ये घर बेच दो. I mean, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना हमें. I can't start to panic every time you panic. इस घर का 6 महीने का एडवांस दे चुकी है कंपनी में. उन्हें ये नहीं बोल सकता कि मेरी बीवी को या भूत दिखता है तो हमें दूसरा घर दो. रिहान, तुम्हें हो क्या गया है आकर? तुम्हें मेरी हर बात झूठी लगती है. शाइना, I have a business to run, okay? So just excuse me. But Rehan. आज रात को तुम्हारे साथ जो होने वाला है, मैं ये भी जानता हूँ. तो उस स्पिरिट को कैमरा में तो कैप्चर कर लोगी शाइना, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें देखेगा और किसी को नहीं. सुन रही हो तुम? और किसी को नहीं. Here in Romania, they call it the Srigoi. It's a very powerful force, a spirit, जो तुम्हें परेशान नहीं बल्कि तुमसे बदला लेती है. तुम्हारे घर में जो स्पिरिट है वो भी कुछ ऐसी है, वो भी किसी बात का बदला लेना चाहती है. तो ये सब भी तुमने, you saw it in your dreams? Yes. अगर मैं वो घर ही छोड़ दूं तो? कोई फायदा नहीं. ईंट पत्थर की दीवारें तुम्हारे लिए घर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए नहीं. वो तो अपना घर तुम्हारे शरीर को बनाना चाहती है. शाइना, तुम इतनी आसानी से उससे पीछा नहीं छोड़ा पाओगी. But why? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? मुझसे किस बात का बदला लेना चाहती है वो? शाइना, तुम्हें तो बस सिर्फ हर्ट कर रही है, लेकिन बदला बदला वो रेहान से लेना चाहती है. You mean Rehan's done something जिसकी वजह से ये सब? हाँ. Oh God. Wow. How silly am I? You haven't changed, Aditya. You're still playing games with me. Don't be stupid, China. I'm not playing any games. सोच के देखो, जो बात तुमने किसी को बताई नहीं, how do I know all those things, huh? और अगर मेरे सपने सच हैं, तो उनकी एक-एक बात सच होगी. चाणक कोई राज है, जो रियान तुमसे छुपा रहा है. Look, I don't know how you've done this. You bugged my house. You must have just. Don't be ridiculous. मैं तुम्हारी शादी को तोड़ना नहीं चाहता हूँ. I want to help you. Stop lying, Aditya. रिहान ऐसा है ही नहीं. रिहान ऐसा कुछ तुम्हारे साथ जो हो रहा है, तुम्हारे घर में जो हो रहा है, रिहान की वजह से हो रहा है. Just stop, Aditya. I don't want to know. Shaina, listen to me. मैं जानता हूं रेहान तुमसे क्या छुपा रहा है. But you have to ask yourself, क्या तुम जानना चाहती हो? जानना चाहती हो क्या राज है? Because I know the truth. सच्चाई ये है कि because I walked away from you, बदला वो spirit नहीं तुम लेना चाहते हो मुझसे. Mm-hmm.
शायद कोई राज है जो रेहान तुमसे छुपा रहा है। बेडरूम में सोने वाले हो क्या तुम? वो एक्चुअली काम इतना है कि आई मीन गेस्ट रूम में ही तो दूसरे शहर में थोड़ी ना। या श्रेया, आई एम रियली स्कैर्ड। कुछ है, आई मीन कोई है अराउंड मी। मतलब व्हाट डू यू मीन? आई थिंक माय हाउस इज हॉन्टेड। Are you serious? तो इसमें इतनी झिझकने वाली कौन सी बात है? I believe you. You do? Of course I do. और वैसे भी ghosts, spirits, I do believe they exist. लो मान लिया, देखा ही नहीं तेरे कांधे का वो दिल। टूटा ही नहीं तेरे हाथों से मेरा दिल। छाओ में तेरी बीती ही नहीं वो गर्मी की बातें। बाहों में तेरी गुजरी ही नहीं वो सर्दी की रातें। लो मान लिया हमने एतबार तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। ना करेंगे हम जो ले जाओगे ख्वाब मेरे तो कैसे जिएंगे हम। जीना हमको आता ही नहीं तेरी सांसों के सिवा। मरना भी अब नामुमकिन है तेरी बाहों के सिवा। लो मान लिया हमने परवाह नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। क्या छुपा रहे हो मुझसे? इस घर का छह महीने का एडवांस दे चुके कंपनी में उन्हें ये नहीं बोल सकता कि मेरी बीवी को या भूत दिखता है तो हमें दूसरा घर दो।
तुम मुझे जो भी बताना चाहते थे मैं सुनने के लिए तैयार हूं। टेल मी एवरीथिंग आदित्य। ऐसा क्या किया है उसने जो मुझसे छुपा रहा है? टेल मी एवरीथिंग। रेहान ने किसी का खून किया है। तुम्हारे मुंबई जाने से पहले जान ली थी उसने किसी की। Shana is that person's spirit that wants revenge. Listen to me, I'm very sorry. Shana. Oh my God. Rehan Sumatra. I can't believe this. मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था Shana. लेकिन एक तरीका है जिसे हम जान सकते हैं अगर रिया ने ऐसा कुछ किया है। How? मैंने अपने सपने में देखा था कि मर्डर करने के बाद उसने अपने खून से भरे कपड़े कहीं छुपाए थे। तुम्हारे पुराने घर में कोई रिपेयर वर्क चल रही थी और उस घर के साउथ में एक फॉल्स वॉल बन रही थी। इफ माई ड्रीम इज ट्रू वो कपड़े वही होंगे। शायना उस पुराने घर में बहुत लोगों ने रहने की कोशिश की लेकिन 2 महीने से ज्यादा कोई टिक नहीं पाया। वो घर आज भी खाली है। हमें उस घर में जाना होगा एंड वी हैव टू ब्रेक दैट डैम वॉल। अभी भी अपने कपड़ों पे अपना इनिशियल्स करते हो? Still in boarding school, little boy. Shut up, yeah. राज आँखें तेरी सब बयां कर रही सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। शायना, where have you been? कब से कॉल कर रहा हूं? क्या बात है शायना? सब ठीक है? What's the matter, Shai? क्या हुआ? You okay? Shaina! Shaina! Open the door! Open the door, Shaina! Shaina! Shaina, open the door! Shaina! Open the door, Shaina! Shaina! Stop it, damn it! I'm sorry, I'll wait out. Hmm.
शायद मुझे म्यूनिक जाना पड़ेगा आज ही। ओके। हेड ऑफ ऑपरेशंस डाइड लास्ट नाइट ऑफ अ। मैंने वजह नहीं पूछी रेहान, और तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। विल यू सी मी टू द स्टेशन? China. Huh? Is everything okay? You tell me, Rehan. Is everything okay? पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव नहीं कर रही हो तुम। पूछ रहे हो या बता रहे हो? Is there something? कुछ छुपा रही हो मुझसे? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? रेहान म्यूनिक गया है, 2 दिन बाद लौटेगा। तो फिर जो कुछ करना है हमें 2 दिनों में करना होगा। इन 2 दिनों में हमें शाना, I'm so sorry. मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। अगर तुम चाहती हो तो एक और बार सोच लो। No, Aditya. I need to know the truth. उसने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? He made me fall in love with Rehan that he's not. मेरी शादी एक झूठ है, और इस झूठ के पीछे का सच मैं जानना चाहती हूँ। हमें ये पता लगाना होगा कि रेहान ने किसका खून किया है। एक जिप्सी वुमन है। She lives close to Brand. Okay. Shana, she's the best psychic in the area. She's a very, very gifted medium. You are right. There is a strigoi that follows you, haunts you. What is your next question? Has my husband done this? Has he murdered someone? Pick the cards. Your husband is keeping secrets from you. He has taken a life. I see it clearly. Do you know who it is? Does a name come to mind? A relation, perhaps? Want to stop and have some coffee? Okay. Thank you. तुम नहीं लोगे? नहीं।
क्या सोच रही हो? क्या सोचूंगी? Frankly, I don't even know what to think. Shaina, I think you should go back. यहाँ तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। कहाँ जाऊंगी? Where can I go where Rehan's not there? इंडिया वापस चली जाओ। 6 महीने रेहान से आने के लिए झगड़ा किया है मैंने। क्या कहूंगी उससे? क्यों जाना चाहती हूँ वापस? क्या जरूरत है किसी से कहने की या उससे बताने की? हाँ, उससे कौन सा तुम्हें पता कि सब कुछ किया है? मैं तुम्हारी टिकट्स बुक कर देता हूँ। जस्ट लीव, डिसअपीयर। सो नाउ द सिचुएशन इज की जान बचाना चाहूंगी तो सच नहीं जान पाऊंगी, और अगर सच जानना चाहूंगी तो जान गवा बैठूंगी। ट्रूथ और डेथ, ग्रेट चॉइस। चूज लाइफ। नो, आई चूज द ट्रूथ। अब मैं इधर उधर जाके सच जानने की कोशिश नहीं करूंगी। There's only one way. रिहान को मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। Let's go, आदित्य। ये hide and seek का खेल अब मैं खत्म करना चाहती हूँ। This is it. What the hell? मैं चेक करता हूँ। What's wrong? Something has damaged the radiator. और coolant leak हो गया। We'll have to get it soldered. But it's late now. How are we going to get it done? I don't know. I think आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा हमें। हाँ? But I must get back, Aditya. I don't want Rehan to think he's. Rehan's out of town. उसके आने से पहले तुम घर पहुंच जाओगी। I promise. But we can't drive with a busted radiator. If the engine ceases, we're done for. Hey, listen. मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। Trust me. You know, there's a line in a poem by Tagore. We Bengalis know it really well. Tumi kon bhangorer pothe ele. It means, what strange path led you to me? Sach kahun to, ab bas tum pe bharosa hai. छिल जाना तेरा याद है ना, वो पास आने पे पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा, तिल तिल मुझको तरसाना तेरा याद है ना, याद है ना, याद है ना।
पलकों को खोलना, पलकों पे दर्दों को तोलना, दर्दों को चादर में छोड़ना, जो तेरे तकिए पे नींदें थी पड़ी, जो तेरी नींदों में रातें थी ढली, जो तेरी रातों में सांसें थी चली, याद है ना, याद है ना, याद है ना। वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, वो मेरे जाने पे चिढ़ जाना तेरा, वो मेरे छूने पे छिल जाना तेरा, याद है ना। पासाने पे पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा, को तरसाना तेरा, याद है ना। पासाने पे पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा, तिल तिल मुझको तरसाना तेरा, याद है ना, याद है ना, याद है। Hey, going to fix the radiator. Back in 1 hour.
इफ आई वॉज नॉट इंटरप्टेड तो हमें पता चल जाता कि शाइना उस होटल रूम से फोन बूथ तक कैसे पहुंची बट अनफॉर्चुनेटली आई नो किसका खून किया तूने रिहान व्हाट किसका खून किया तूने किसी का खून नहीं किया मैंने देख रिहान यू कैन एटलीस्ट बी ऑनेस्ट हियर अगर हम लोगों से सच छुपाएगा तो हम तेरी मदद कैसे करेंगे फॉर गॉड सेक अमन व्हाई वुड आई मर्डर समवन व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस डू आई लुक लाइक अ मर्डरर टू यू कांट यू सी आदित्य ने मैनिपुलेट किया ये सब मैनिपुलेट हाउ रिहान उसी ने इस घर में स्पिरिट को भेजा है या तो खुद ब्लैक मैजिक किया या किसी प्रोफेशनल से करवाया रिमेंबर द जिप्सी वुमन वही लेके गया था ना शाइना को उसके पास ही ऑलवेज वांटेड शाइना बैक इन हिज लाइफ उसे पाने के लिए ये सब किया उसने इट्स अ सिंपल प्लान कांट यू गाइस सी फर्स्ट प्लेग दिस हाउस विद अ सिगॉय देन लुक टू शाइना एज अ सेवियर उसे बचाकर पहले उसने उसका ट्रस्ट जीता बाद में मुझे विलन बना दिया दीवार के पीछे मेरे कपड़े आई मीन रियली इट्स अ चीप ट्रिक गाइस कोई भी लॉन्ड्री से लेके मेरे कपड़े रख सकता है वहां एंड शाइना शी जस्ट fell for this nonsense. ये हो सकता है क्योंकि अगर ये सब उसने खुद किया है तो उसके लिए झूठ बोलना बड़ा ही आसान था कि ये सब उसने अपने सपनों में देखा है. What a joke. Then we must find this joke. और हमें उसे बोलना होगा कि उसने जो कुछ भी किया है उसे वापस ले. क्या फर्क पड़ जाएगा उससे क्या कर लूंगा मैं उसे जो करना था वो ऑलरेडी कर चुका है. He slept with my wife and he's almost broken up my marriage. उसे ढूंढकर क्या करूंगा मैं भीख मांगूंगा उससे हाथ फैलाऊंगा उसके सामने कि जो भी ब्लैक मैजिक किया उसे खत्म कर दे मिटा दे वो चाहे भी तो उसे खत्म नहीं कर सकता इवन इफ ही वॉन्ट्स ही कांट रिवर्स इट देन हु कैन रिवर्स इट Exorcism. It's not easy to get permission for an exorcism. The church is very strict about these things. But that's the only way to get this Trigoy out of the poor girl. Also, I don't think her body can take the attack of this evil any longer. She will die. I understand, but I'm bound by the rules of the church. But there is one thing I can do. If we can deliver some kind of proof to the church, we might be able to convince the archdiocese to help with an intervention. What kind of proof can it be? I shall attempt to talk to the Strigoi that takes control of the little girl. I hope we can record the proceeding. I'll record it myself. You need not worry. In that case, we can start. By the power
vested on me by the church. In the name of our Lord Jesus, evil soul, show yourself. I command you. By the power of Jesus Christ, show yourself, evil one. Tell us, who are you? In the name of our Lord, I command you, show yourself. Who are you? Tell us. What do you seek? In the name of our Father, reveal yourself. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy will be done. As it is in heaven. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and glory forever and more. The power of Christ commands you. Show yourself, you beast! Show yourself, you follower of Satan! Show yourself to the God Almighty! Show yourself in the name of God! Bloody sinner! Fucking little boys, huh? They threw you out of the DRCs in Milano, did they not? What is this? What do you know? It's not me. It's not true. What was his name? Fernando. Choir boy. The one with the pink lips. Son of Satan, is not true. You are a liar. How dare you? You come to me, you whore man. Have you not read Follow Peace with all his men and holiness, without which no man shall see the Lord? You have no God. You are my brother. You are with us in our kingdom. You pray to my father, to Lucifer. You are perverse like no other. Tell me! Come to me, you unclean spirit. Come to our kingdom. The majesty of Lucifer awaits you. Tue immendissimo. Chi simula se veram de. Non cam potrates in futuram vencier. Sumam miam. Name ego filias Lucifer! It's evil! Powerful spirit can't fight!
मिलना चाहेगा उससे You're right, China. मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने सब कुछ किया है। सारा कसूर मेरा है। It's all my fault. China was right all along. हम दोनों के बीच का फासला उस राज की वजह से था जिसे मैं इतने सालों से छिपाता रहा। It was 4 years back. We were about to get married. We were still in Romania. बेटा मैंने मंगलसूत्र भेजा था, मिला तुम्हें? नहीं, कब भेजा? Stop being a fool. मामा आपका बेटा stupid भी है और भुलक्कड़ भी। आपका courier मिलते ही मैंने इतनी excitement के साथ ये मंगलसूत्र इसे दिखाया and इसने laptop में से मुंह निकाल के इतना ठंडा reaction दिया ना, अगर आप इधर होती I would have given him one tight slap. अरे बेबी अगर मॉम होती तो courier आता ही नहीं ना। बेटा ये कोई मामूली मंगलसूत्र नहीं है, दो दो माओं का आशीर्वाद छिपा है इसमें। दो दो माए मतलब? ये मंगलसूत्र लेकर मैं वैष्णो देवी गई थी, माँ के चरणों में छुआ कर इसकी पूजा करवाई थी। बस एक ही इच्छा है कि ये शादी यहाँ इंडिया में मेरी आंखों के सामने होती। Please don't start that again. आपको मालूम है ना मुझे अभी लीव नहीं मिलेगी और शाइना का भी एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बाद एक्सपायर होगा। बट अच्छा ऐसा करते हैं, जून में जब हम लोग वापस आएंगे ना तो दोबारा शादी कर लेंगे। लो कर ली ना एक और बेवकूफों वाली बात। अरे ब्याह भी कोई दोबारा होता है भला? अरे सोनी कुड़ी के साथ तो दो बार नहीं 100 बार ब्याह कर सकता हूँ। Stop flirting with me in front of your mother. अच्छा मामा listen. हाँ बेटा। Just a second. अच्छा मामा, actually मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। Hello. Congratulations. सुना है प्रणय सूत्र में बंधने जा रहे हो? प्रणय सूत्र? It's a legal name for Kama Sutra, यानी कि विवाह। Congratulations on your marriage in advance, Rehan. Who's this? I'm the guy who's fucking your wife before you were. कितनी बुरी बात है। बताया तक नहीं उसने तुम्हें मेरे बारे में, हाँ? Perhaps she wants you to forget a bad memory, but I'm in no mood to forget. You know, I can have you arrested for making this obscene call. Cool plan. Crime तुम करो और जेल मैं जाऊँ। What do you mean? Finfuel, Balkan Holdings, Finance Romania. ये सारी कंपनीज रिंग अ बेल। Who the hell are you? एड्रेस लिखो। 21 Strada Rennie,
I'm waiting for you. Hello? Come in, come in. Come right in, Mr. Khanna. The door to your right. Mr. Khanna, welcome. So good to finally meet you. Oh, come, come. Are you please? No formalities. अच्छी तस्वीर है ना शाना की, ये मेरी फेवरेट है। एक्चुअली ये आधी है, पूरी मेरे लैपटॉप पर है। शी इज अ मॉडल और एक चीफ फैशन फोटोग्राफर के लिए शाना जैसी सीधी सादी लड़की को बहकाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही अपने रिसर्च ऑन मी, वेरी गुड। जो लोग अपना होमवर्क करके आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी थोड़ा सा होमवर्क किया है तुम्हारे बारे में, देखना चाहते हो? You should see it. It's gonna be fun. Excuse me. I have to warn you. Finance or accounting की चीजों में थोड़ा सा slow हूँ मैं. So please bear with me. Yeah? So I made some of my finance detectives do some digging, and I found out some very interesting things about you, Mr. Khanna. तो जो तीन companies तुमने अपने fake ID के साथ शुरू की थी, FinFuel, Balkan Holdings, Finance Romania, वो तीनों companies actually है ही नहीं. The paper companies. It's amazing. Huh? तुमने इन कंपनीज को स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करने के लिए खोला है, फिर तुमने इन कंपनीज के थ्रू ट्रेडिंग की और अपने एग्जिस्टिंग अमेरिकन कंपनी के शेयर्स खरीदे जस्ट टू इंक्रीज द शेयर प्राइस। नाउ मुझे ज्यादा बैंकिंग के बारे में पता नहीं है, बट आई नो दैट्स इनसाइड अ ट्रेडिंग मैन, जो यहां रोमानिया में इलीगल है। इट्स अ क्राइम। व्हाट रबिश, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ योर्स। और वैसे भी मैं उस कंपनी का सिर्फ एक एम्प्लॉय हूं, ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? यार ये सब तो पुलिस ही तुमसे पूछ सकती है, बट बीइंग द फाइनेंशियल हेड ऑफ द कंपनी, जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी ना। बट यू हैव नो प्रूफ ऑफ दिस। वो हैव ऑल द प्रूफ इन द वर्ल्ड। सब यहां इस लैपटॉप पे है, आराम से बैठ जाओ, हैव अ ड्रिंक, यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ इट। Well, this is the post Lehman Brothers economy. हर बड़ी कंपनी ऐसा कर रही है। There's a huge liquidity crunch in Romania. यार ये लिक्विड और सॉलिड के बारे में ज़्यादा पता नहीं मुझे। बस इतना पता है कि चोर वही होता है जो पकड़ा जाए। मैं मिस्टर रेहान खन्ना, तुम पकड़े गए हो। जेल तो तुम्हें कुछ सालों की होगी, लेकिन सजा, सजा तुम्हें पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। You're screwed, man. चाहते क्या तुम? I thought we'd never get to this part. You're a smart man, Rehan. You're a smart man. तो मैं चाहता हूं कि तुम ये शादीवादी का आइडिया ड्रॉप कर दो और शाइना को मेरे लिए छोड़ दो। I promise you, मैं उसे तुमसे ज्यादा खुश रखूंगा, जिंदगी में भी और बिस्तर में भी। Now take the laptop and get the fuck out of her life. और मैं अगर ऐसा ना करूं तो फिर जाओ जेल। मुझे से कमीने आदमी के लिए शाइना को दोबारा फंसाने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ, दो आंसू और थोड़ा इमोशन, खींची हुई चली आएगी मेरे पास। जो लड़की एक बार भरोसा कर सकती है ना, उसे दोबारा भरोसा दिलाने में कितना टाइम लगेगा? Not much time. Mr. Khanna, जानना चाहते हो कितना भरोसा करती हो मुझ पर? It's gonna be fun. You have to watch this. Presenting sex with the ex. बहुत भोली है बेचारी, उसको पता भी नहीं था जब मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। प्यार की बड़ी भूखी है।
अब या तो तुम हमारे बीच से हट जाओ या मुझे तुम्हें हटाना पड़ेगा. अदरवाइज इट बी मी एंड हर टुगेदर. आई बेट यू माइट रेजिस्ट बिकॉज़ दैट्स व्हाट शी डज, बट आई हैव ऑलवेज इमेजिन्ड व्हाट इट वुड बी लाइक टू फर्स्ट ले हर डाउन ऑन दैट बेड, देन टाई हर राइट हैंड अप टू द बेड पोस्ट. Then spread her legs apart. And then, you know. I killed him. I did it. Maar diya maine use. When Trilok was doing psychometry, तो एक बार तो लगा कि मेरा झूठ सबके सामने आ जाएगा, पर साइकोमेट्री के थ्रू उसने वही देखा जो शाइना की आंखों ने देखा, और शाइना ने वही देखा जो आदित्य की आत्मा उसे दिखाना चाहती थी. आदित्य, द कोड डजंट अलाउ यू टू कम क्लोजर देन 100 मीटर्स टू मी. Start now. क्या सोचूंगी? Frankly, I don't even know what to think. I didn't even understand he was dying. ऐसा लग रहा था कि सम टाइम बैक जिस आदमी के हाथों आदित्य का खून हुआ वो मैं नहीं कोई और था. जस्ट लाइक दैट आई हैड बिकम अ मर्डरर. मेरे कानों में आई कुड हियर पुलिस साइरन्स, अपने हाथों में हैंडकफ्स दिखने लगी मुझे. व्हाट वाज आई गोइंग टू टेल शाइना कि मैं वहां अपने क्राइम पे पर्दा डालने गया था? शाइना को आदित्य के बारे में बताता तो आधी नहीं पूरी सच्चाई बतानी पड़ती उसे, और मैं उसकी नजरों में गिरना नहीं चाहता था, खोना नहीं चाहता था उसे. आदित्य वॉज हेटेड बाई एवरी वन एंड ही वॉज नॉट इवन अ रोमेनियन सिटीजन. कोई दोस्त कोई रिश्तेदार भी नहीं था उसका. आई वॉज फॉर्चुनेट, ना किसी ने उसे मिस किया और ना ही मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई. द ओनर्स ऑफ माई रेंटेड अपार्टमेंट वो मेकिंग अ फेक वॉल टू हाइड ऑल द वॉटर सीपेज. अपने खून से लदे कपड़ों को मैंने वहीं छिपा दिया. साइकोमेट्री के जरिए त्रिलोक ने जो हमें लिख कर दिया उसे पढ़ने के बाद मैं आदित्य का सारा प्लान समझ गया. वो जानता था कि जब तक मंगलसूत्र शाइना के गले में है वो उसे छू तक नहीं पाएगा, इसलिए होटल में जाकर शाइना की तन्हाई का फायदा उठाकर निकलवा दिया उसने मंगलसूत्र, और फिर शाइना के जिस्म को अपने बस में करके वो मंगलसूत्र गायब कर दिया. जब मंगलसूत्र था तो गाड़ी नहीं मिली तुम्हें, अब गाड़ी मिली तो मंगलसूत्र खो दिया तुमने. मेरी समझ में वो भी आ गया जो त्रिलोक की बताई हुई बात और शाइना के फोन बूथ के मिलने के बीच हुआ. उसके हाथों के छाले और जहां उसकी गाड़ी मिली वहां जले हुए लकड़े ने सारी कहानी जाहिर कर दी. आदित्य ने उसे अपने कब्जे में कर लिया. जहां मैंने उसे दफनाया था वहां जाकर शाइना के हाथों से कब्र खुदवाई, अपना शरीर वहां से निकलवाया और फिर अपना अंतिम संस्कार खुद करवा दिया. शाइना को उससे अलग करने के सारे रास्ते खत्म कर दिए उसने. आई हैव नो वन बट माई सेल्फ टू ब्लेम फॉर दिस. आई हैव डन दिस टू हर. सारा कसूर मेरा है.
I've done this to her. Don't be so hard on yourself, Rehan. अगर तेरी जगह कोई और भी होता वो भी ऐसा ही करता. You killed a man who deserved to be killed. अपने आप को संभाल रेहान. शाइना नीड्स यू. उसे कल भी आदित्य से तूने बचाया था और आज भी तुझे ही उसे आदित्य से बचाना होगा. डोंट यू सी अमन, मैं ऑलरेडी हार गया हूं. आदित्य ने हरा दिया मुझे यार. अगर मैं उसे ठीक नहीं कर पाया तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा, और अगर शाइना ठीक हो गई तो ये जान जाएगी कि उसके पति ने खून किया है. दोनों ही सूरतों में मैं उसे खो चुका हूं यार. मैं जानता हूं तुम सोच सकती हो शायना, साथ जीने मरने के वादे किए थे, कहीं भूल गया था उनको, लेकिन तुम्हारी कसम मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े. It was important to meet outside the house. Because evil has strong ears. Gajendra Moksha Stotram. जैसे हनुमान चालीसा हनुमान जी की प्रार्थना है, उसी तरह ये विष्णु जी का मंत्र है. विष्णु सहस्त्र नाम से भी ज्यादा पावरफुल. ये एक ऐसा मंत्र है that can be used जब आप किसी पावरफुल ईवल की ग्रिप में हो. Even China is in the grip of powerful evil. इस मंत्र के उच्चारण से उस पावरफुल ईवल को शाइना का शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा. बट देयर इज अ कंडीशन. क्या कंडीशन? द मंत्र हैज टू बी सेड विदाउट अ ब्रेक. इसे निर्विघ्न कहते हैं.
मगर ये इतना आसान नहीं होगा। आदित्य की स्पिरिट इसमें पूरी तरह विघ्न डालने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर शायना को बचाना है तो हमें हर हाल में इस मंत्र को पूरा करना ही होगा। ओ शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत एताचिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनिदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्पाच पर तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् या स्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्दिक्षा शुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतुमां परादिपरम् कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो यस्तस्य पारे अभिविराजते विभू न यस्य देवा ऋष्या पदं विदु जंत पुनको रतिगंत मेरितुम तथा नतस्य कृत वीर विचेष्टतो निदिक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्ति संगा मुनिया साधवा मने भगवते नमः ईश्वराय यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टं गतिमा भुवन्ति विश्वाच शुरत्यापि देहमप्यपि कुरोत्मे न कञ्चनार्थं मानशान्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं दया दानं समुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं
इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, लेके जाओ। रान, we can't leave you. Are you mad? I'll handle it. Just go right away. शायद रान सही कह रहा है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। Just go. Go. मैंने कहा था ना तुमसे रेहान, ये राज हमें अलग कर देंगे। कर दिया ना अलग, ले जाएगा वो मुझे। He'll take my soul with him. कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, और कहीं नहीं ले जा सकता हूं तुमको। एक बार हराया उसने मुझे, अब नहीं हरा सकता हूं। एक बार क्या, बार बार हरा सकता हूं? You're a fucking coward, Rehan. पुछ दिलो तुम। अपना जुर्म छुपाने के लिए मेरी जान ले ली, पुलिस से बचने के लिए मेरी लाश दफना दी, और फिर रोमानिया आने के डर से शायना की मुस्कुराहट चुरा ली। तुम क्या बचाओगे उसे? मैं जानता हूं तू वही करने की कोशिश कर रहा है जो उस दिन अपने घर बुला के किया था। अपने लफ्जों के जाल में फंसा कर अपनी तरह बना दिया था, खूनी बना दिया था। लेकिन आज तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा, आज मेरा भगवान मेरे साथ है। Don't be ridiculous, Rehan. तुम्हारा भगवान तो सालों से मर चुका है। He's dead. Dead, dead, dead. अगर तुम्हारा भगवान है तो मैं मरकर भी यहां कैसे हूं रेहान? अगर तुम्हारे जैसा शैतान है तो भगवान भी जरूर है, और वही रोकेगा तुम्हें। मेरा भगवान रोकेगा तुम्हें आज। अच्छा, शायना का मंगलसूत्र उतरवा दिया तब तो नीरोकास ने मुझे उसके कपड़े उतार दिए। तब तो नीरोकास ने मुझे उसे अपने बेडरूम में लेके जाके उसे रात भर प्यार करता रहा। तब भी नीरोकास ने मुझे उसके जिस्म पर कब्जा करके उसे अपना बना लिया। नहीं रोका, और कल सुबह उसकी आत्मा को अपने साथ लेके जाऊंगा, और वो नहीं रोकेगा मुझे। You know, Rehan, I was thinking, अगर भगवान है तो किसी पुरानी हिंदी पिक्चर की पुलिस की तरह है जो हमेशा सब खत्म होने के बाद आती है। बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि जो बुरा है भगवान उन्हें सजा देगा। बड़ा हुआ तो समझ में आया कि गॉड पनिशेस नो वन, और सच बात तो यह है कि अगर तुम बुरा नहीं बनोगे तो वर्ल्ड विल पनिश यू। अब खुद देख लो, रेहान द नाइस गाय इधर बेबस खड़ा है, और आदित्य श्रीवास्तव द बैड गाय उसकी बीवी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है। ये सब तुम्हारे भगवान के रेपुटेशन के लिए बहुत बुरा है रेहान। डोंट यू थिंक वेरी वेरी बैड? कैसे पति हो तुम? शायना को मेरी बाहों में देखकर तुम्हारा खून निकलता, गुस्सा नहीं आता तुम्हें? हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पता है क्या करता? इस लैंप को उठा के अपनी बीवी के सर पे जोर से मार देता। आई फकिंग किल हर। मंत्र पढ़ के उसे बचाता नहीं। कम ऑन रेहान, पिक द लैंप अप, मारो उसे अपनी बीवी के सर पे। कम ऑन रेहान, आई नो यू वांट टू डू इट। कम ऑन, उठाओ ये लैंप, मारो उसके सर पे। कम ऑन यू फकिंग कावर्ड, उठाओ ये लैंप और मारो अपनी इस बीवी के सर पे। कम ऑन, पिक इट अप यू फकिंग कावर्ड, उठाओ ये लैंप। नहीं, नहीं होने दूंगा। अपने दिल में प्यार की जगह नफरत नहीं भरने दूंगा तुम्हें। मेरा प्यार ही मेरा भगवान है,
और जब तक मेरा प्यार जिंदा है, मेरा भगवान जिंदा है। सोच रही हूँ शायद जब हम यहाँ आए थे तो ये पूरा लेक बर्फ में जमा हुआ था। पिघल गया ना सारा बर्फ, है ना? हाँ, सारा बर्फ पिघल गया। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये?